हेलो गाइस, मैं प्रमोद जायसवाल आज आपको इंदौर का सबसे बड़ा इवेंट दिखाने वाला हूँ। आज यहाँ पर आपको मिलों की जो झांकियाँ निकलती है गणेश चतुर्थी के, जहाँ पर जब 10 दिन के बाद जो गणेश जी विसर्जित होते हैं उसको अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ पर इंदौर में काफ़ी बड़ा मेला लगता है और आपको झांकियाँ देखने को मिलेगी। आइए चलिए देखते हैं। इंदौर की कपड़ा मिले और अखाड़े मिलकर अनंत चतुर्दशी जिस दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, सभी मिलकर इंदौर के लिए झांकी का आयोजन करते हैं। इंदौर के अलग अलग अखाड़ों से यहां पर सभी कलाकार और खलीफा और सूरवीर आते हैं, जो इसी तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए जनता का मन मोह लेते हैं। अभी आगे आपको एक से बढ़कर एक अखाड़े के कलाकार और सूरवीर देखने को मिलेंगे। इंदौर की कपड़ा मिले आज से करीब 20-25 साल पहले सभी बंद हो चुकी है, नुकसान होने की वजह से उसे बंद कर दिया गया। इसके बाद यहाँ के नगर निगम, आइडिया और खजराना प्रबंधन समिति ने मिलकर इस प्रथा को बनाए रखा है। यहाँ पर सबसे पहली झांकी हमारे खजराना गणेश मंदिर की निकली है, ये देखिए। हर झांकी अपने आप में एक मैसेज देती है। इस झांकी में दिखाया गया है कि भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय किस प्रकार परिक्रमा दे रहे हैं। कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए और भगवान श्री गणेश शंकर भगवान और माता पार्वती की परिक्रमा करते हुए। इन झांकियों को ये जो लाइट डेकोरेशन और ये पूरे जो बनाया गया है भगवान को, और इस तरह से जो चलित दिखती है, इसमें कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है बनाने में। इन कलाकारों द्वारा काफ़ी मेहनत की जाती है और इसी तरह से यहाँ पर सालों से ये परंपरा चली आ रही है, ये देखिए। इंदौर में आज़ादी से पहले ही कपड़ा मिले आ गई थी, जिसने आधे इंदौर को रोजगार दिया। पर समय रहते हुए, समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बदला, कपड़ा मिले नुकसान में हुई और उनको बंद कर दिया गया। यहाँ पर कुछ सरकारी मिले भी थी और कुछ प्राइवेट भी थी। इन मिल मालिकों ने और वहाँ पर काम करने वाले लोगों ने इस आयोजन की शुरुआत की। यहाँ आपको भंडारी मिल, राजकुमार मिल, मालवा मिल, स्वदेशी मिल, कल्याण मिल, इंदौर नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण जिसे आइडिया भी कहते हैं, और अभी आप जो देख रहे हैं ये खजराना मंदिर की झांकी है। इस तरह से यहाँ पर कुछ 5 से 7 मिल और कुछ 3-4 इस तरह की प्राइवेट संस्था द्वारा झांकियों का आयोजन किया जाता है, बनाकर इसी तरह से पूरे इंदौर शहर में झांकियाँ घुमाई जाती है, जिसे देखने के लिए पूरे इंदौर के साथ साथ आसपास के गाँव और शहरों की जनता काफ़ी सालों से आ रही है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कितनी भीड़ है, और आगे आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको हर मिल की झांकियाँ देखने को मिलेगी। ये एक नई झांकी है, आइए इसे भी देखते हैं। ये खजराना मंदिर की दूसरी झांकी है। इसमें भी ब्रह्मा जी के साथ इधर गणेश जी सब भगवान शंकर की पूजा करते हुए इस झांकी में दिखाया गया है। झांकियाँ निकलने का समय शाम 7 बजे के बाद से चालू हो जाता है, जो पूरी रात पूरे शहर का भ्रमण करते हुए इसका एक फिक्स रूट रहता है। ये जेल रोड से निकलते हुए सिरपुर ताकी, किशनपुरा पुल, नंदनपुरा सब्जी मंडी और राजवाड़ा से शीतला माता मार्केट होते हुए, खजूरी बाज़ार से होते हुए फिर किशनपुरे के पुल पर आके नगर निगम तक चली जाती है। इसके बाद जो झांकी रहती है वहाँ पर चली जाती है, और इसी रूट पर पूरा इंदौर आपको देखने को मिलेगा। आगे आप देखते रहिए। ये हमारे इंदौर का सबसे बड़ा आयोजन होता है। इसमें हमारे पूरे प्रशासन की व्यवस्था रहती है, जिनकी वजह से ही पूरी जनता अच्छे से इस आयोजन का मज़ा ले पाती है। ये तीसरी झांकी, इसमें गणेश जी सून से लड्डू देते हुए, प
पहले ऐसा भी होता था कि इसे सूंड दिखा रहे हैं उसमें लड्डू रहते थे, तो अंदर से ही कुछ लोग लड्डू प्रसादी बाहर जनता के बीच में बांटते रहते थे, ऊपर से फेंकते रहते थे अब कैच कर लो, तो काफ़ी मज़ा आता था। अभी इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर झांकियाँ और भीड़ और मेला जो लगा है वो काफ़ी अच्छा देखने लायक है। खाने की पूरी व्यवस्था रहती है, आपको पानी पतासे से लेके नॉनवेज तक मिल जाता है। पूरा इंदौर आज की रात जगता है। यहाँ आसपास के 3 से 4 किलोमीटर में सारी दुकानें चालू रहती है, प्रशासन की तरफ से हर गली में लाइट की व्यवस्था रहती है, किसी को भी कोई असुविधा नहीं होती है। जगह जगह पर पुलिस लगी रहती है, पुलिस के साथ साथ यहाँ मिलिट्री की भी व्यवस्था रहती है। आयोजन काफ़ी सालों से चला आ रहा है और सक्सेस रहता है और हमेशा ही सभी को इसका मज़ा भी आता है। हर उम्र के लोग इसे देखने के लिए आते हैं, छोटे से बच्चे से लेके जिनको चलते भी नहीं बनता वो लोग भी देखने आ जाते हैं। आप देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए। इस बार कुछ बैंड वालों ने भी अपनी तरफ से इसी तरह झांकियाँ बनाई हैं, इसमें झनकार बैंड की तरफ से ये झांकियाँ निकली है। ये जो आप मंच देख रहे हैं इसी तरह के मंच जगह जगह कलाकारों को और अखाड़े के खलीफाओं और सूरवीरों का सम्मान करने के लिए लगे हुए हैं। ये हमारे इंदौर विकास प्राधिकरण की झांकी आईडिया। यहाँ पर किशनपुरा छतरी पर एक निर्णायक मंच होता है जो कौन सी झांकी सबसे अच्छी है उसका निर्णय लेता है और कौन सा अखाड़ा सबसे अच्छा था उसका निर्णय लेता है। ये मंच है जहाँ से सभी कलाकारों का सम्मान होता है। ये है नंदापुरा सब्जी मंडी। ये देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव दिखाया गया है, इसमें सभी खुशी से झूम रहे हैं। इस झांकी में हनुमान जी को उड़ते हुए दिखाया है और जो समुद्र मंथन में जो राक्षसों से सामना होता है उसे दिखाया गया है। हर झांकी में जहां से जिसकी तरफ से निकाली गई है उनका नाम और कलाकारों का जिन्हें सहयोग करा है उनका सब कुछ डिटेल इस तरह से लिखी हुई होती है। इंदौर विकास प्राधिकरण की झांकी है। ये देखिए यहाँ के लोगों का उत्साह और कितनी भीड़ है। ये फिर एक मंच है जहाँ से झांकी निकल जाती है वहाँ पर भी थोड़ा सा खाली हो जाता है। ये अब अखाड़े ये जिन अखाड़ों को सम्मान मिला है ये पूरे उनके सम्मान और मेडल के साथ में उन्होंने अपनी झांकी का प्रदर्शन किया है। ये देखिए अखाड़ों के सूरवीर। अभी फिर भी अब जिम होने की वजह से अखाड़ों का चलन थोड़ा सा कम हो चुका है। ये देखिए बाल कलाकार ये जो आप अखाड़ों के सुरमा की कलाबाजी देख रहे हैं ये पूरी रात इसी तरह से दिखाते हैं। और ये झांकी का जो रूट है ये छोटा सा रूट नहीं होता, ये कम से कम 5 से 7 किलोमीटर का रूट बन जाता है और इसी तरह से इनमें पूरा जोश भरा रहता है रात भर। देखने वाली जनता जिस तरह से रहती है इनका भी उत्साह उसी तरह का रहता है।
ये अगली झांकी है, इसमें भगवान शंकर नंदी पर विराजमान है। ये देखिए नंदी चल रहा है, ये कोई सी भी झांकी जो रहती है सब चलित रहती है, ये इस तरह से पुतलों के सेट में बनाया रहता है। ये एक अखाड़े की झांकी है, ये हमारे नंदापुरा सब्जी मंडी। ये देखिए किस तरह से गणेश जी यहाँ पर बिठाए गए थे, यहाँ पर बच्चों के लिए, खाने पीने वालों के शौकीनों के लिए सारी दुकानें इस तरह से लगी रहती है। ये देखिए हमारे किशनपुरा पुल की छतरियाँ, यहाँ पर लोग प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए बहुत आते हैं। और यहीं पर एक निर्णायक मंच लगा हुआ है जो यहाँ की झांकी का और अखाड़े वालों का फैसला करते हैं कि किसको पहला पुरस्कार देना है, किसी को किसको दूसरा। यहाँ पर देखिए कलाकारों द्वारा, इसमें लड़कियाँ भी हैं, किस तरह से शानदार ढोल बजाया है और गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाया है। ये देखिए हमारा भगवा ध्वज चांद तक पहुँच गया। ये है बच्चों का असली मजा, झांकी में एक से बढ़कर एक खिलौने देखने को मिलेंगे। और झांकी देखने जाएंगे तो खरीद के लेकर आएंगे, कुछ लोग भीड़ का मजा लेते हैं, कुछ झांकी का मजा लेते हैं, कुछ धर्म का लाभ लेते हैं और कुछ इस तरह का जो मेला लगता है उसका आनंद लेते हैं। यहाँ पर सभी तरह का आपको आनंद आएगा, सुबह जो आप शाम को आएंगे और कब रात हो जाती है आपको पता नहीं चलता, इतना लंबा चलने के बाद भी थकान नहीं होती है। जैसे झांकी ख़त्म हो जाती है उसके बाद घर जाने तक की शक्ति भी नहीं रहती है। झांकियों का रूट लंबा इसी वजह से रहता है कि सभी लोग इसका मजा ले सकें, तो कुछ लोग अपने एरिया के आसपास खड़े रहकर देख लेते हैं और कुछ लोग इस तरह से चलते हुए देख लेते हैं। जो लोग चलते हुए देखते हैं वो काफ़ी जल्दी अपने घर पहुंच जाते हैं और जिन पेट के देखते हैं उनको इंतज़ार करना पड़ता है कि अब झांकी आएगी, अब झांकी आएगी, अब झांकी आएगी। कलाकार प्रदर्शन करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, ये हमारे नगर निगम की तरफ से। अगली झांकी हमारे हनुमान जी संकट मोचक नाम तिहार है। ये देखिए पूरी शान से शक्ति से खड़े होकर जनता को देख रहे हैं, जैसे सबको बता रहे हो कि कोई चिंता मत करो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हूँ। ये है हमारी इंदौर नगर निगम की झांकी। इतने सारे लोगों के देखने के बाद भी एक आज की पूरी रात झांकी निकलेगी, फिर एक दिन का विश्राम रहेंगे, फिर तीन दिन के लिए जिस जिस मिल की जो झांकियाँ रहती है उस मिल में ये खड़ी हो जाती है और जहां पर भी तीन दिन तक पूरे इंदौर की जनता वहां पर जाकर देख सकती है और देखकर आती भी है। इसी तरह का मेला वहाँ भी आसपास लगा रहता है। यहाँ पर पूरे जो गणेश जी बैठने से लेके गणेश जी के विसर्जन और उनके भी तीन चार दिन के बाद पूरे इंदौर शहर देखने लायक हो जाता है। लाइटिंग की व्यवस्था हमारी पूरे नगर निगम प्रशासन की तरफ से गली गली रहती है। इस आयोजन के बाद 16 दिन के श्राद्ध रहते हैं और उसके बाद फिर वापस नवरात्रि की तैयारी चालू हो जाती है, तो पूरे इंदौर में झमाझम रौनक रहती है। ये देखिए राधा कृष्ण की लीला।
यहाँ देखिए ट्रैक्टर की मदद से गणेश जी का शहर भ्रमण। जय श्री गणेश। ये नगर निगम की झांकी, इसमें अभी हमारे पुष्य मित्र भार्गव जी नए महापौर बने हैं, उनकी तरफ से आगामी क्या योजनाएं रहेगी उसका पूरा प्लान बनाया हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाती हुई ये झांकी, ये हमारे किशनपुरा पुल की छतरी, ये किशनपुरा पुल का एरिया, ये देखिए स्काउट के बच्चे पूरे मोर्चा संभालते हुए, कहीं पर भी अव्यवस्था होने ही नहीं देते। जगह जगह इतना पुलिस बल लगा हुआ है कि जनता सुरक्षित सा महसूस करते हुए इस तरह से पूरा इतने बड़े आयोजन का आनंद लेती है। ये देखिए झांकी तो एक तरफ, जनता का नज़ारा भी काफ़ी देखने लायक है। ये देखिए यहाँ भी मंच लगा हुआ है झांकी और अखाड़े के कलाकारों का सम्मान करने के लिए। इसी तरह से जगह जगह मंच लगे हुए, जगह जगह पुलिस बल लगे हुए, ये देखिए सब ऊपर से सब सिक्योरिटी भी होती है, कैमरे से शूटिंग भी होती है, जहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी की आशंका होने पर तुरंत सम्मान लिया जाता है। ये देखिए एक नया अखाड़ा, अब यहाँ पर ये भी मंच के सामने देखिए, यहाँ पर भी अखाड़े के कलाकार अपनी कला दिखाते हुए। इसी तरह से कभी अखाड़े कभी झांकी देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, थक जाओ तो आसपास खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, खाओ पियो घूमो फिरो और गणेश जी के उत्सव का आनंद लो। जय हो गजानन गणपति जी महाराज की जय। ये देखिए एक और नया मंच, और सभी अखाड़े वाले अपना पूरा दमखम दिखाते हुए जनता को मोहित कर लेते हैं। ये हमारा श्री कृष्ण टाकीच वाला रोड है, MG रोड। ये देखिए नाचने के शौकीन डीजे का आनंद लेते हैं।
घूमते फिरते हमने तो झांकी और अखाड़ों का मजा लिया ही सही, आप भी लीजिए, आप घर बैठे इसका आनंद लीजिए, आपको सारी चीज़ें इसमें हमने दिखा दी है। हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इंदौर के इस महोत्सव का आनंद ले सके। मेरा इंदौर, हमारा इंदौर, स्वच्छ इंदौर, नंबर वन इंदौर। ये देखिए अखाड़े के बाल कलाकार का शानदार प्रदर्शन। बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो बच्चे क्या नहीं कर सकते। अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़िए, मोबाइल गेम की लत अपने आप छूट जाएगी। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी झांकियां और अखाड़े बाकी हैं। वीडियो बड़ा होने की वजह से इसको 2 से 3 पार्ट में बनाया जा रहा है। आप अगले वीडियो को देख लीजिए, आपको आगे बहुत मज़ा आने वाला है।